हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफत मुबारका है। हमारे यहां भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, सारा ही जी। इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख ले। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूं। कुर्बानी साहिब निसाब साहिब इस्तेताद बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते, सारा तकसीम कर दे, बात खत्म हुई। यकीन करें मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबी लवल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा, और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।